फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आया हूँ अपने गाय के साथ जंगल में, और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इस जंगल में हिरन भी रहते हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हो जब भागते हैं इस जंगल में। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा जंगल है ये, और ये हमारे घर के ऊपर पहाड़ी पे है। काफ़ी सुंदर लगता है। अभी तो घास हल्की हल्की हुई है, थोड़ी दिनों बाद ये घास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद इधर काफ़ी जंगली जानवर भी दिखते हैं। मैं आया हूँ गाय के साथ जंगल में, और मुझे आज एक जंगली जानवर दिखा जिसे वैसे हिरन कहते हैं। काफ़ी सुंदर है, और वैसे पहाड़ों में काफ़ी तेज़ भागते हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको एकदम आज लाइव दिखाऊंगा। और ये काफ़ी बड़ा जंगल है वैसे हमारे घर के आसपास का। ये देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा हिरन है। और मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जिट टाइम बताते हैं आपको, 9:02 हो रहे हैं। अरे काफ़ी तेज भागते हैं वैसे, देख सकते हैं आप लोग। और ये पहाड़ की चोटी पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। शायद मैं इसे पानी की प्यास लग हुई इसलिए गदेरे के आसपास आया हुआ है आज, देख सकते हैं आप लोग। ये काफ़ी प्यारे होते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग इतने प्यारे हैं। ये देखिए ये हमारी मौत से काफी दूर। इतना बड़ा है यार, कितना बड़ा है यार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वो दिखा हुआ जंगलों में काफी आग लगी हुई है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग जितने भी पेड़ गिरे हुए हैं, जितने भी पेड़ अभी खड़े हैं काफ़ी सब झुलस चुके हैं आग से। तो मेरा सभी अपने फ्रेंड अपने अपने दोस्तों से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनसे एक ही निवेदन है कि जंगलों में आग ना लगाएं। अगर आप लोगों को जानवर से प्यार है तो अपने ज़रूरतमंद वाली चीज़ें अपने जंगल से लेके जाएं, और जंगल जितने बचे रहेंगे हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा है।
देख सकते हैं आप लोग, मेरे जितने भी पीछे हैं सारे पेड़ जले हुए हैं, ये दिख रहा होगा आपको। तो मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से भी एक छोटा सा मैसेज है कि जंगल में कृपया करके आग ना लगाएं, उससे काफ़ी नुकसान होता है। और मैंने आपको हिरन दिखाया था क्योंकि जो ये मेरे नीचे गदेरे दिख रहे हैं, इन गदेरों में अब पानी भी बहुत कम मात्रा में रह चुका है, क्योंकि कहीं कहीं पे एक छोटे छोटे जैसे गढ़वाल में कुंडे कहते हैं उसी टाइप का बचा हुआ है, तो उनमें पानी बचा हुआ है, तो जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं नीचे। तो अगर आग नहीं लगेगी तो काफ़ी हद तक पानी सेव होगा, पानी बचा रहेगा। और हमारे पहाड़ों में तो अक्सर बहुत प्रॉब्लम है पानी की, और जितने भी पहाड़ वाले इलाके हैं, मतलब पर्वतीय क्षेत्र वाले जो ऊपर ऊपर वाले हैं, नदी के किनारे तो रहता ही है पानी, जो पहाड़ वाले इलाके हैं उनमें काफ़ी पानी की दिक्कत होती है। आप लोग सबको पता ही होगा कि पानी की कितनी दिक्कत होती है पहाड़ में। और मेरा सभी से एक छोटा ही सा मैसेज है, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जंगल में आग ना लगाएं, जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, घास मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, और वरना आग लगा दोगे तो सब चीज़ जल के राख हो जाएगा। क्या होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।